भारत के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। महावैक्सीनेशन अभियान में लोगों को जागरूक कर लगवाया टीका, पौधरोपण व फल वितरित कर मनाया गया मोदी का जन्मोत्सव। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली, संपन्न और सशक्त होने के गौरव को प्राप्त कर रहा है। उनके नेतृत्व के 7 वर्ष हमारे इतिहास के स्वर्णिम वर्षों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जिला पंचायत के सदस्य कामाख्या प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हपालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त सुविधाओं का निरीक्षण किया। तत्पश्चात मुक्तिधाम पहुंचकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री शीतल भालावी जी तथा उनके समस्त स्टाफ के साथ मिलकर पौधारोपण किया और अपने संदेश में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने तथा शासन कोविड नियमों के पालन पर जोर दिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आज सेवा और समर्पण अभियान भी शुरू किया है। इस उपलक्ष्य पर उनके साथ मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह परिहार, समाज सेवी अजय अग्रवाल, अज्जू भैया, पिंकू सिसोदिया। अजय अग्रवाल, अज्जू भैया ने ग्राम गलान में 35 महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाने में अहम भूमिका रही और महिलाओं को कोविशील्ड की प्रथम डोज लगवाए और लोगों को जागरूक कर प्रेरित किया। 7 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सेवा एवं समर्पण अभियान शुरू होगा। 7 अक्टूबर सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ता हर गांव घर तक पहुंचकर संपर्क, संवाद और सेवा कार्य करेंगे। मोर्चों और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटेंगे। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज। हमने अपने लिए परिवार के लगवाया है और सबको समझाएंगे कि वैक्सीन लगाना। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गलान से बोल रही हूँ और मैंने घर घर जाके सर्वे किया है और जो महिलाओं को मान लो डिलीवरी हुई है उन महिलाओं को 40 से 45 महिलाओं को यहाँ केंद्र पर लाए हैं टीकाकरण के लिए और जो सेकंड डोज की थी जिनके डिलीवरी हुई है उन लोगों को भी यहाँ लाए हैं। हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। 35 से 40 महिलाएं पहली डोज वाली लेकर आई हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया है। मैं अजय अग्रवाल, आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर गलान ग्राम में जितनी भी महिलाएं जो बाहर से आई हुई हैं और जो जिनकी डिलीवरी हुई है इन सभी महिलाओं का आज प्रथम डोज के रूप में यहाँ पर उन लोगों को बुलवा के यहाँ पर लगवाया है, जिसमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता महिलाओं ने पूरा सहयोग दिया है और उन लोगों ने अपने कौशल से सभी को गाँव घर घर जाकर सबको निकाल के आज यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया है, जिसमें हमारे आशा नर्स और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया, जिसमें सेक्रेटरी और सरपंच भी इसमें शामिल रहे। आज विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में 71 लाख वैक्सीनेशन लगाने का मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चल रहा है। इसके अलावा मंदिरों में सफाई स्वच्छता का अभियान को लेकर संपूर्ण कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों और अपने अपने बूथ केंद्रों पर कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। आज जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो उस संबंध में भी और आज हरपालपुर का दौरा करते हुए वैक्सीनेशन महाअभियान में भी अस्पताल का दौरा किया, जिसमें डॉक्टर साहब और पूरी टीम की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं उसकी बहुत सराहना कर रहे हैं नगर के लोग और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की तरफ से सीओ मैडम और सब लोगों की तरफ से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है आज के संबंध में, उसमें भी सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है नगर के लोगों ने और ऐसा आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नगर में और वृक्षारोपण कर पाएं। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लें, जिसमें कि सब लोग हम लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम लोग जल्दी से जल्द अपने क्षेत्र को और इस देश को स्वस्थ बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।